दोस्तों ये सार्क का एसी का रिमोट है, इसको हम रिपेयर करेंगे। इसके कुछ बटन काम कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं। ये इसका रिमोट सेंसर है चेक करने का, तो कुछ कुछ कभी कभी कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो हम इसको खोल के आपके सामने इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों इसमें एक ये पेज होता है, इसको पहले आप पेज खोलने पड़ेंगे। एक पेज ये है, एक दो तीन तीन पेज खोलने पड़ेंगे। फिर दो पेज ये खोल दो आप, पेज आपस में मिक्स हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर के पेज और बाहर के पेज इसमें एसी के रिमोट में अधिकतर सब में सेम ही होते हैं। ये देखिए दोस्तों कितने कीपैड कितना बुरा हाल है। कीपैड का बहुत बुरा हाल हुआ है। ये आपने कीपैड पहले सूखे कपड़े से साफ कर ली, अब आप इसको लिक्विड से साफ करेंगे। जो भी आपके पास लिक्विड हो, पेट्रोल, आईपी, थिनर, जो भी हो, आप उससे साफ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो इसमें चिकनाहट वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह है, वो आपका सारा हट जाएगा, सारा ठीक होगा। अब आपको ये देखो कितना कीपैड में कितना ये तेल सा है, ये आपको सारा वॉश करना पड़ेगा। ये आप पीछे से भी साफ़ कर लें, क्योंकि पीछे भी मिट्टी हो जाती है, तो जब सर्विसिंग हो तो अच्छी तरह पैड हो, ये कितनी मिट्टी लगी हुई है ये भी हट जाए। क्योंकि ज़्यादा मिट्टी होगी तो इसमें देखो इसमें भी है, तो फिर बटन फंसने लग जाता है। जैसे बटन को दबाते हैं तो वो थोड़ा दबा का दबा भी रह सकता है। आपने पैड पूरे साफ कर ली, अब इसके बाद जो इसमें है इसमें भी ब्रश मार लेना। दोस्तों ये प्लेट पीसीबी हमने साफ कर लिए, और हमने ये पैड भी हमने पूरी अच्छी तरह साफ कर लिए। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। ये जो रबड़ के डिस्प्ले के
यहाँ लगती है, ये इसके पैकिंग के लिए, दबाने के लिए। अब हम इसको पैड को लगा देंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे। क्योंकि दोस्तों अब इस समय गर्मी आ चुकी है, अब गर्मी में एसी चलने चालू होंगे तो सबके जो रिमोट एक छः छः सात सात महीने रखे रहते हैं तो मॉइस्चर वगैरह से ख़राब हो जाते हैं, तो जब उसको चलाते हैं तो चलते नहीं है या फिर कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि रखी हुई चीज़ें भी ख़राब होने लगती हैं। ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के जो खांचे हैं उसी में आनी चाहिए, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो कभी कभी शॉर्ट भी होने का डर रहता है ये जो पिन है। अब आप इसको ये बंद कर लिया, ओके है। ये देखिए एसी के कुछ बटन इस पे सेंसर पे काम नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बटन काम नहीं करते, कुछ बटन को होता है जो एसी पे काम करते हैं। अब देखिए ये टेम्परेचर वगैरह सब बदल रहा है, 30-31 हो गया। अब हम इसके पेज लगाएंगे। दोस्तों इसी तरह हम एसी का ये शार्प का जो रिमोट है इसको रिपेयर कर सकते हैं, शार्प कंपनी का एयर कंडीशनर की तरह हम एसी का रिमोट रिपेयर कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।